हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आकांक्षा, और आज मैं आप लोगों के साथ में मूंग की नमकीन रेसिपी शेयर कर रही हूं। जो साबुत मूंग होती है उसकी नमकीन बनती है, तो उसकी रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और इस नमकीन को बनाने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको मूँग दिखा रही हूँ। ये साबुत मूँग है, और इसको मैंने रात में पानी में थोड़ा सा सोडा डाल के, आधा चम्मच सोडा डालकर भिगो दिया था। तो ये 7-8 घंटे भीग करके और ये बिल्कुल फूल गया अच्छे से। और उसके बाद इसको मैंने कपड़े पे डाल करके अच्छे से पोंछ लिया है इसे। और ध्यान रहे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पोंछना नहीं चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए आप बाहर या फिर पंखे के हवा में डाल सकते हैं, जिससे इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है इसको गर्म होने के लिए। और देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम मूंग डाल देंगे। और तेल जो है बिल्कुल खूब तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी हमारी नमकीन अच्छी बन के आएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि मूंग डालने के बाद में तेल बहुत तेज़ी से बाहर छटकने लगता है, तो थोड़ा केयरफुल होकर के काम करें। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए और फ्राई कर लेना है। और आँच को आप तेज़ ही रखें, तभी अच्छे से ये फ्राई हो पाएगा। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो भी फ्राई होते जाएंगे दाने, वो ऊपर आते जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब नमकीन हो गई है। और देखिए, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, चेंज लग रहा होगा, क्योंकि जब हमने डाला था तब इसका कलर कैसा था, अभी कैसा है। तो ये लगभग आधी हो चुकी है, बस इसको ऐसे चलाते रहिए, थोड़ी देर में पूरी डन हो जाएगी। और देखिए, थोड़ी देर के बाद में करीब 10 मिनट लग गए हैं इसको फ्राई होने में, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची होती है, तो इसको फ्राई होने में, क्रंची होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जब हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हल्की हो जाती हैं जब पक जाती हैं अच्छे से। तो और सारी मूंग जितनी हमने डाली थी, सारी देखिए तेल के ऊपर आ गई हैं, तो ये अच्छे से पक चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम निकाल लेंगे। और इस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, क्योंकि जितनी देर ये तेल में पड़ी रहेंगी, जलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म रहता है। और देखिए, इसको मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से उसमें सोख ले। और उसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। और मसाले में मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप लोगों को कोई मसाले और पसंद है, जैसे रेड चिली पाउडर या फिर और कुछ भी डालना चाहते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इतने में ही नमकीन बहुत अच्छी बनी थी, मैंने थोड़ा सा खाकर भी देखा था, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए इसको, ट्राई कीजिए। मैंने पहले नहीं बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन अच्छी बनी थी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। और ये रेसिपी जो है मेरी दादी बनाती थी, तो ये रेसिपी उनकी है, मेरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।